नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, दहेज जो कि समाज को आए दिन नीचे श्रृंगगर्त में डुबोए जा रहा है, दहेज प्रथा एक समाज के लिए बहुत ही अभिशाप है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दहेज लेना या दहेज देना दोनों ही जुर्म की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी से दहेज की डिमांड रखते हैं, शादी के लिए किसी से दहेज मांगते हैं या आप दहेज देते हैं, देखिए फर्क ये नहीं पड़ता कि आप दहेज देने वाले हैं या दहेज लेने वाले हैं। बात यह है कि अगर आपका संबंध दहेज से है तो आपको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। दहेज लेना जितना बड़ा जुर्म है, उतना ही बड़ा जुर्म दहेज देना है। अगर आप किसी को दहेज दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुर्म की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी दहेज प्रथा का उल्लंघन, मतलब आप दहेज प्रथा जो चलती आ रही है आप उसका पालन कर रहे हैं, और दहेज जो प्रतिबंधित जो कानून है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप चाहे दहेज दें या दहेज लें, दोनों में आप अपराधी हैं। तो दोस्तों, दहेज को लेकर देखिए, जो दहेज प्रथा अधिनियम 1961 है उसके कानून क्या है, वो क्या कहता है, चलिए आज देखते हैं। शादी से संबंधित कोई भी उपहार जो लड़के पक्ष को या लड़की पक्ष से दिया जाए वो दहेज कहलाता है। अब वो किसी के डर दबाव में या स्वेच्छा के साथ दिया जाए, स्वेच्छा के साथ अगर दिया जा रहा है तो उसे आप एक उपहार कहेंगे, लेकिन अगर एक मांग की जा रही तो वो दहेज की श्रेणी में आता है, जो कि एक अपराध है। दहेज लेने या देने दोनों ही अपराध हैं। शादी में ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप दहेज मांग कर रहे हैं या सामने वाला किस परिस्थिति से दहेज दे रहा है, आप दहेज ले रहे हैं, बस ये आपके लिए बहुत अपराध की श्रेणी में आने के लिए बहुत कुछ आपके लिए ये साबित हो सकता है। इसके लिए देखिए दोस्तों, जो बनाए गए हैं रूल्स बनाए गए हैं, जो टर्म्स कंडीशंस हैं, जो अधिनियम 1961 में जो दहेज प्रथा प्रतिबंधित जो कानून है उसमें दोस्तों ये है कि अगर आप किसी से दहेज की मांग करते हैं तो आपको 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना होगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर दहेज की राशि रकम जो है वो ज्यादा है तब आपको उस राशि के बराबर की कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आप दहेज मांग रहे हैं तो केवल आपको होगा, अगर हम आपको दहेज दे रहे हैं तो ये पूरी तरह से हमारे लिए भी बंधकारी होगा। तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अधिनियम 1961 जो है दहेज प्रथा का, वो क्या कहता है। दोस्तों, मैं चंद्रवान चक्रवर्ती स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। दहेज पर कानून, दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961। शादी से संबंधित जो भी उपहार दबाव या जबरदस्ती के कारण दूल्हे या दुल्हन को दिए जाते हैं उसे दहेज कहते हैं। उपहार जो मांग कर दिया गया हो उसे भी दहेज कहते हैं। दहेज लेना या देना या लेन देन में सहायता करना अपराध है। शादी हुई हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसकी सजा है 5 साल तक की कैद, 15,000 रुपये का जुर्माना। अगर दहेज की रकम 15,000 रुपये से ज़्यादा हो तो रकम के बराबर का जुर्माना देना होगा। दहेज मांगना अपराध है और इसकी सजा है कम से कम 6 महीने की कैद या जुर्माना। दहेज का विज्ञापन देना भी एक अपराध है और इसकी सजा है कम से कम 6 महीने की कैद या 15,000 रुपये तक का जुर्माना। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कि दहेज प्रथा किस प्रकार अभिशाप है और दहेज लेना देना ये जुर्म की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, मैं तो जहां तक कहूंगा कि दहेज प्रथा जो है समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इसे बिल्कुल भी ना करें, ना ही कभी दहेज की डिमांड रखें, और कोई अगर डिमांड आपसे दहेज की रखता है तो इसकी साफ साफ जाकर कार्यवाही करें, पुलिस स्टेशन में आप इसे उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं अधिनियम 1961 के अंतर्गत। थैंक्स दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, विजिट करें हमारी वेबसाइट www.revenuehelp.website पर। दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।